हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मिक्सचर क्लासेस में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नंबर। आज हम जानेंगे नंबर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है इसका डिफिनेशन। देखिए, ये है नंबर, इसको हिंदी में वचन कहते हैं। आप नंबर को क्वेश्चन के तौर पर व्हाट इज नंबर लिख सकते हैं। देखिए, व्हाट इज नंबर, अ नंबर व्हिच डिनोट्स न्यूमेरेटिव एबिलिटी ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नंबर। देखिए, थोड़ा लिखकर देखते हैं। अ नंबर व्हिच डिनोट्स, अ नंबर व्हिच डिनोट्स न्यूमेरेटिव एबिलिटी ऑफ अ थिंग, ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नंबर। देखिए, अ नंबर व्हिच डिनोट्स न्यूमेरेटिव एबिलिटी ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नंबर। आइए बारीकी बारीकी से इसका हिंदी समझते हैं। देखिए, नंबर मीन्स होता है वचन, जो यहाँ पर लिख दिए हैं। व्हिच मीन्स जो होता है, डिनोट्स सूचित करना, दर्शाना। न्यूमेरेटिव संख्यात्मक, न्यूमेरेटिव मीन्स संख्यात्मक। आप कहिएगा एबिलिटी, इसका मीन्स होता है योग्यता, क्षमता। अब का कहे कि ऑलवेज, ये तो सबको पता रहता है, थिंग चीजें, इज कॉल्ड यहां से लेकर यहां तक इज कॉल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर यानी वचन। अ नंबर व्हिच डिनोट्स न्यूमेरेटिव एबिलिटी ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नंबर। हिंदी होगा, जो किसी वस्तु के संख्यात्मक क्षमता को दर्शाता है उसे वचन कहते हैं। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, ग्लास, ग्लासेस, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, डॉट 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 इटीसी। जो किसी वस्तु के संख्यात्मक क्षमता को दर्शाता है वह नंबर कहलाता है, यानी वचन। आप कहिएगा क्या होता है संख्यात्मक क्षमता? संख्यात्मक क्षमता के मीन्स होता है कि कोई वस्तु एक है या कि एक से अधिक, उसको दर्शाना। तो यहां पर आप देख लिया है, पेन यानी एक कलम, पेन्स एक से अधिक, बुक बुक्स, कलम कलमे, किताब किताबें, ग्लास ग्लासेस, देख रहे हैं यानी एक से अधिक है। अब क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, वचन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा सिंगुलर, नंबर इसका मीन्स होता है एक वचन। दूसरा प्लुरल नंबर, हिंदी होता है बहुवचन, एक वचन बहुवचन। आपको सीधी तौर पर बता दूं, जो किसी एक वस्तु या एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराता है
वह सिंगुलर नंबर कहलाता है, और जो एक से अधिक का बोध करता है वह होता है प्लुरल। आइए डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। सिंगुलर नंबर, अ नंबर व्हिच डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। देखिए, a number which denotes one person or one thing is called singular number. A number which denotes one person or one thing, यानी जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध करता है वह कहलाता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। देखिए एग्जाम्पल होगा पेन, यानी कोई एक कलम, एक का बोध हो रहा है, बुक एक किताब, गर्ल कोई एक लड़की, बॉय .etc. यानी इस टाइप से और एग्जांपल आप दे सकते हैं। कोई एक का चर्चा हो रहा है, यदि एक का चर्चा हो यानी एक का बोध हो तो होगा ऑलवेज सिंगुलर। प्लुरल नंबर, अ नंबर व्हिच डिनोट्स more than one person or one thing. Is called प्लुरल नंबर। अ नंबर व्हिच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग इज कॉल्ड प्लुरल नंबर। देखिए मोर देन मीन्स होता है एक से अधिक, यानी मोर देन मीन्स एक से अधिक। जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है वह प्लुरल नंबर कहलाता है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए पेंस, एक से अधिक कलम, सिंगुलर में पेन, प्लुरल में पेंस, ये कलम तो एक कल में, बुक्स एक से अधिक, गर्ल्स बॉयज, फार्मर्स एक से अधिक किसान। देखिए कल में किताबें, लड़कियां, लड़कों, किसाने .etc. आप इस टाइप से और एग्जांपल दे सकते हैं। यानी यहां पर एक से अधिक का बोध करा रहा है, तालवेज आप इसे प्लुरल कर सकते हैं। तो होगा क्या, हम बोलेंगे ही इज अ बॉय, हिंदी होगा वह एक लड़का है। तब आप यहां पर कहिएगा ही क्या है, ही तो सब्जेक्ट है, तो कहिएगा ही यदि सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है, तो ये सब ट्रांसलेट में काम आता है। ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लुरल, तो आप कह सकते सिंगुलर, क्यों, वह कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, हम इंडिकेट करेंगे वह एक लड़का है, इंडिकेट करेंगे तो एक का बोध होगा, इसलिए ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि हम दे दें
दे आर पोएट्स है। हिंदी होगा वे लोग कवि हैं। तो बोलेंगे यहां पर दे क्या है, तो दे भी यहां पर सब्जेक्ट है। यदि दे सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल, तो आप कह सकते हैं प्लूरल। क्यों, दे कहने से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर यह प्लूरल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना।